रहे हैं पूर्वांचल तक न्यूज। आज हमारी टीम HRPG कॉलेज खलीलाबाद पहुंची, क्योंकि बस कुछ ही दिन बचे हैं छात्र संघ का चुनाव होने को। आइए आप लोगों से मिलवाते हैं छात्र और छात्राओं से, दिखाते हैं अब की बार HRPG कॉलेज खलीलाबाद में किसका पल्ला भारी पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल तक न्यूज। आज हम पहुंचे हैं HRPG कॉलेज खलीलाबाद में और यहां पर चुनाव भी होने वाला है जल्द ही, कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही महीने कुछ दिनों में यहां पर चुनाव होने वाला है। हमारे पास कुछ छात्र भी हैं, आइए, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैयालाल यादव जी हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे छात्र संघ का अध्यक्ष चुनाव आने वाला है। सबसे पहले तो न्यूज़ के माध्यम से जो आपके दर्शकों से जुड़े हुए हैं, इनको सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ कि बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस महाविद्यालय किया है। पूर्व सांसद अध्यक्ष रह चुके हैं, किसके पक्ष में जा रहे हैं आप? जी, हम लोग पेशवार गोविंद यादव को चुनाव लड़ा रहे हैं, हमारी पूरी टीम लड़ा रही है। हमारे साथ भाई नसीम मेहमान जी हैं, जो हमारे साथ 3 वर्षों से संघर्ष करते हैं। उससे पहले भी जब से मैं इस विद्यालय में संघर्ष कर रहा हूँ, मेरे गाँव के लिए इस विद्यालय में जो भी कमियाँ रह गई थी उन कमियाँ पूरा किया जाएगा। स्मार्ट क्लासेस चलो जो हमारे सत्र में चल रहा था उसको चलवाने का कार्य किया जाएगा। छात्र छात्राओं के लिए हर बात पर हम लोग रेडी रहते हैं, हमेशा उनकी आवाज़ उठाते हैं। जिस तरीके से हमारे सत्र में छात्र छात्राओं के लिए इस विद्यालय के लिए जो क्लासेस चलती थी, स्मार्ट क्लासेस चलती थी, वो इस समय बंद हो चुकी है, उसको फिर से चलवाने का कार्य किया जाएगा। क्या दिक्कत परेशानी आई थी कि स्मार्ट क्लासेस बंद हो चुकी है? अब यहाँ के जो भी पदाधिकारी थे उनके वही सब जानते हैं। अब की बार देखा गया कि लगभग 400 बच्चों फेलियर में आए थे। नहीं, वो रिजल्ट पूरे यूनिवर्सिटी का गड़बड़ हुआ था, लगभग 3 से 4 जिलों का। अच्छा, तो उसके बाद सभी बच्चों का सही हुआ है। सबसे ज्यादा सहयोग इसमें किसका रहा कि एक छात्राओं का सहयोग रहा, यहाँ के छात्र नेताओं का भी सहयोग। हमारे साथ गोविंद यादव जी भी हैं, जो कि कन्हैयालाल यादव जी इनके पक्ष में आए हैं, और क्या कहेंगे आप, अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ रहे हैं और काफ़ी देखा जाए उत्साह भी छात्रों में है। जी जी, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का महाविद्यालय में स्वागत करता हूँ जी, और आपके माध्यम से जो अभी आपने मुद्दा रखा कि 400 महाविद्यालय में जो 400 के लिए बच्चे थे उनके लिए यहाँ कहा क्या नेता, हर स्टूडेंट जितने भी यहाँ के छात्र छात्राओं ने सबने मिल के धरना दिया। यहाँ पे हमारी बातों को आदरणीय प्रचार जी ने सुना और वो बात कुलपति तक पहुँचाई गई, और जो कि हम लोग को धरना देने के बाद ही वहाँ संशोधन होके एक मौका दिया गया है उन छात्रों को जो फेलियर थे 4 सेमेस्टर में, उनको 5th सेमेस्टर में प्रमोट करने का एक बहुत ही सराहनीय कार्य आदरणीय प्रचार द्वारा और हम छात्रों के द्वारा जो धरना दिए थे, जो इसमें शामिल थे पूरे छात्र नेता सब शामिल थे, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और उन बच्चों को बधाई जो इस बार इसमें फेल हुए थे। 200 कुछ बच्चे थे, जो भी बच्चे फेल हुए थे मैं उनको बधाई देता हूँ, 5 मिनट की ढेर बधाई देता हूँ। क्या मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं छात्र जी? हमारा एक ही मुद्दा है, यहाँ पर अच्छी क्लासेस चलें, जो स्मार्टेस्ट क्लासेस कन्हैयालाल यादव अध्यक्ष जी के द्वारा बड़े भाई के द्वारा चलाई जा रही थी वो क्लासेस फिर से चालू हों। यहाँ पे कि कंप्यूटर लैब की व्यवस्था बहुत बेकार है, पहले कंप्यूटर लैब की व्यवस्था मैं चाहता हूँ अच्छे तरीके से चली हो। यहाँ पे एक फोटोकॉपी की व्यवस्था, जो हमें फोटोकॉपी कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था हो। इसी सब मुद्दों के साथ और हमारा सौ जयंती हाल में जो भी क्लासेस नहीं चल रही हैं वो भी क्लासेस। अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले कौन सा कार्य करेंगे कि आप छात्रों के लिए छात्राओं की? अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहला काम मेरा रहेगा यहाँ पे कंप्यूटर लैब हो गए, जो कि इस महाविद्यालय में का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और यहाँ पे सबसे पहले काम मेरा सबसे पहला काम यही है, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, फ्री में फोटो कापी कंप्यूटर इंटरनेट की व्यवस्था, और जो बाकी काम है प्राथमिकता उसके लिए आगे किया जाएगा। क्या लगता है किससे लड़ाई है आप? जी, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारे साथ छात्र हैं, मैं छात्रों से अपना अपील करके वोट मांग रहा हूँ। मैं नहीं समझता हूँ अगर मैं छात्रों के लिए लड़ रहा हूँ तो छात्र भी मेरे लिए कहीं ना कहीं मुझे पसंद कर रहे हैं, और आप सर्वे कर सकते हैं महाविद्यालय का, इसमें आपको पता चल जाएगा। अपने मुँह से अब क्या मैं बताऊँ। गर्ल्स का कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? जी, गर्ल्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है, मेरी बहनों का, मुझे जीओ लोग भी मेरे साथ ही हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हमारे साथ जुड़े थे गोविंद यादव जी और लोग भी हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद नसीम। इसके पक्ष में क्या हो लगता है अध्यक्ष पद अभी कौन चुन पाएगा फिलहाल? देखिए सर, कहने की तो बातें हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं जीत रहा हूँ जी,
लेकिन ये बात अगर मैं भी कहूँ कि गोविंद भाई जीत रहे हैं तो शायद आपको इस पर भी यकीन ना हो। ये सबसे अच्छा रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप बच्चों से चल करके पूछेंगे कि जीत कौन रहा है। हमारे कहने से या किसी के कहने से कोई जीत नहीं रहा, और हमने जो काम किया विद्यालय में जात पात से ऊपर उठ करके सर्वहित सर्वसम्मान की बात की है, जिसके भी किसी भी कास्ट का किसी भी रिलीजन का कोई भी आता है हमारे पास कहता है कि हमारी ये समस्या है तो हम उससे पूछते नहीं है कि आप हो कौन, उसके साथ चल करके जब तक कि उसका समाधान ना हो जाए हम उसके साथ चलते रहते हैं। और माननीय गोविंद यादव अध्यक्ष जी जो इस समय लड़ रहे हैं, कन्हैयालाल यादव जी, इनके साथ हमारा शुरू से ही चलना रहा है, चूँकि इनके साथ इसलिए चलना है कि ये सर्वहित की बात करते हैं। मुझे सिर्फ विचारों की लड़ाई है सर, मैं विचार जिनके अच्छे होते हैं उनके साथ चलता हूँ। और लोग भी हैं ये उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, महामंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए सर, सबसे पहले बच्चों में दिल जीतना पड़ेगा जी। आप बैनर पे आ जाएंगे, आपका नारा लग जाएगा, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप बच्चों का दिल जीतिए, बच्चों की समस्याओं का निदान कीजिए, आप उपाध्यक्ष बनेंगे, आप पुस्तकालय मंत्री बनेंगे, महामंत्री बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। जहाँ तक हमारी बात है कि हम अध्यक्ष जी के साथ चल रहे हैं, अध्यक्ष प्रत्याशी गोविंद यादव जी के साथ चल रहे हैं, इनके साथ चलने के पीछे की बहुत सी वजहें हैं। इनके साथ सारी कम्युनिटी के लोग चल रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हुए, चाहे वो एससी कास्ट के हुए, चाहे वो बीसी हुए, चाहे जनरल हुए, चाहे जो हुए, हर कोई चल रहा है। इनमें कमियां होती तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी या दो कम्युनिटी के लोग चलते हैं, जबकि बहुत से सारे लोग चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। और बाकियों में हम देखते हैं कि सर, अब मैं किसी को नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सर जो चीज़ें इनमें देखी हैं बाकी वो चीज़ें नहीं। और लोग भी यहाँ पर छात्र लोग हैं, उनसे आइए खास बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग भी हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, किसके तरफ से ज्यादा पल्ला भारी पड़ रहा है? कैमरे में आइए। पल्ला भारी तो गोविंद यादव का ही लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं बच्चे काफी सर उनकी तरफ चल रहे हैं। और लोग भी हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम पड़ेगा। किसका पल्ला भारी पड़ रहा है चुनाव में? गोविंद यादव का ही। अच्छा, देखा जा रहा है काफी उत्साहवर्धन के साथ लोगों का कहना है गोविंद यादव, गोविंद यादव। और लोग भी हैं, क्या नाम पड़ेगा? किसका पल्ला भारी पड़ रहा है? गोविंद यादव, गोविंद यादव सुनाई दे रहा है आप लोगों को, देख सकते हैं। और लोग भी हैं, बड़े भाई लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा भैया? किसका पल्ला भारी पड़ रहा है अध्यक्ष चुनाव में? गोविंद कुमार यादव, गोविंद कुमार यादव देख रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? अवधेश यादव जी, क्या कहेंगे किसका पल्ला भारी पड़ रहा है फिलहाल? सर्वे तो हो गया हमारा, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि कौन बनेगा छात्र संघ अध्यक्ष। आप देख रहे थे पूर्वांचल तक न्यूज़, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।